हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, है ना, हम उसे रिकॉल कर लेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, जब कोई ट्राइंगल है हमारे, उसे तीनों वर्टेक्स हमें दिए गए हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। पर आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा इंट्रोडक्शन, और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कैसे निकाला जाएगा वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट जो है हमें क्या बताता है, लोकेशन बताता है किसी पॉइंट का, लोकेशन या पोजिशन, है ना, ये चीजें हमें कोऑर्डिनेट बताता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की। ठीक है, एक प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, और एक को कहा एक्स एक्सिस और दूसरे को कहा वाई एक्सिस। ठीक है, और इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट किया उसको हमने क्या कहा, ओरिजिन। क्लियर। अब देखो, ये जो है हमारा राइट साइड, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर मैं इसका नाम दूं, ये ओ है, ये एक्स, इसको एक्स डैश कह दें, तो ओ एक्स जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ओ एक्स डैश जो है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और ये अगर इसको वाई बोल दें और इसको वाई डैश बोल दें, तो ओ वाई जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ओ वाई डैश जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब होता क्या है, वैल्यूज इस तरीके से बढ़ती है, एक्स राइट साइड में पॉजिटिव है, बढ़ता है इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, और लेफ्ट साइड में इधर कम होता है, -1, -2, -4, और इस तरीके से बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आगे वाई जो है ऊपर को बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, इसी तरीके से, और नीचे -1, -2, -3, -4, और इसी तरीके से ये चलता रहता है। क्लियर है। अब देखो, अब हम इस कार्टेशियन प्लेन में, इसको हम इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट रखें तो हम उसकी लोकेशन कैसे बताते हैं वो सीखते हैं। अब जैसे मैंने कोई पॉइंट यहां रख दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें क्या करना होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, तो ये जो है इसका अगर आप देखो तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम हमेशा पहले जो है ना x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 4। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो x कोऑर्डिनेट ही क्या है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, y एक्सिस ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो x कोऑर्डिनेट है। तो मैं यहां पर ये बात नोट कर सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, है ना। और इसी तरह अगर मैं देखूं तो ये जो 4 है y कोऑर्डिनेट, यही तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, देखो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो y कोऑर्डिनेट ही क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस, है कि क्लियर। ठीक है, अगर मैं ओरिजिन के बारे में देखूं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि मैं यहां हूं ना, इधर गया ना, ऊपर गया ना नीचे, है ना, तो x भी नहीं बढ़ा, y भी नहीं बढ़ा, मतलब x में कोई चेंज नहीं आया, y में कोई चेंज नहीं आया, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0, 0। क्लियर। ठीक है, इसी तरह अगर और चीज देखें तो x कोऑर्डिनेट जो है ना अपना, x कोऑर्डिनेट इसको हम एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, और वो है अपना एब्सिसा। ठीक है, क्या, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑर्डिनेट, क्या, ऑर्डिनेट। क्लियर है बात। और देखो, और अगर हम देखें
एक्स को ये अपना एक्स सीसा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया, और इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तो वो हम बता सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा इसमें, तो अगर इसके बाद हम देखें तो हम यहां ध्यान दें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है और नीचे की तरफ जाते हैं तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो अगर मैं ऊपर भी नहीं जाऊं नीचे भी नहीं जाऊं, मतलब एक्स एक्सिस पर ही रहूं, मान लो इस एक्स एक्सिस पर मैं यहां पर हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका -3 है, वाई ऊपर जाते तो बढ़ता, नीचे जाते तो घटता, तो ना बढ़ा ना घटा, है ना। तो मैंने क्या देखा, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उठाते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, है ना। तो ये बात हमने समझी कि एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, है ना। क्लियर। और इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उठाता, है ना, वाई एक्सिस पे क्या होता है, हम राइट को जाते तो एक्स बढ़ता, लेफ्ट को जाते तो एक्स घटता, है ना। पर हम ना राइट गए ना लेफ्ट गए, हम इसी लाइन पर है, तो इस पर एक्स की वैल्यू बढ़ी भी नहीं घटी भी नहीं, तो एक्स में कोई चेंज नहीं आया, पर वाई कितना है अभी? -4। क्लियर। तो अब मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं वाई एक्सिस पर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। क्लियर। ये बातें हमने यहां से समझी। और अगर हम देखें तो जब हमने ये x-axis और y-axis बनाया है तो इसने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, और इन चारों पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब देखो अगर हम क्वाड्रेंट्स को देखें तो बहुत आसानी से हम यहां समझ सकते हैं कि अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसमें ये एक्स की वैल्यू ये रहेगी और वाई की वैल्यू इनमें से कुछ रहेगी, तो दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि अगर पहले क्वाड्रेंट में कोई आता है तो उसमें एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होंगे। क्लियर। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो यहां कहीं अगर कोई पॉइंट है तो उसमें एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, ये बात बता चुका हूं मैं, तो इसमें x की वैल्यू यहां पर देखोगे तो नेगेटिव आएगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका x तो नेगेटिव होगा, y ऊपर यहां पर देखो प्लस, है ना। बहुत ही आसानी से आप यहां पर समझ सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो यहां कोई अगर पॉइंट है तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो ये वाला है प्लस, दैट इज पॉजिटिव, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा? x पॉजिटिव होगा, पर y कैसा होगा? नेगेटिव, है ना। तो ये चीजें भी हम समझ सकते हैं कि पॉइंट को देखकर बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम समझेंगे कि कोई भी दो पॉइंट है अगर इसी प्लेन में तो उसके बीच का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हो, है ना। चलो देखो, अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर। तो देखो जरा, अब मैं मान लो अपना कार्टेशियन प्लेन प्लानर बना लेते हैं, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने कहा ये एक पॉइंट है कोई, ठीक है, और ये कोई दूसरा पॉइंट है, मान
मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है कुछ x1 y1, ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने p और इसका नाम रख दिया q, इसके कोऑर्डिनेट है कुछ x2 y2, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा pq, ठीक। तो ये कैसे निकाल सकते हैं वो समझना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, अगर कोई भी पॉइंट प्लेन में है तो उसका x कोऑर्डिनेट ही क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस, है ना, उसका x कोऑर्डिनेट ही क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो अगर मैं इसका y एक्सिस से डिस्टेंस निकालूंगा तो ये उसका x कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये वाली लेंथ जो है वो x2 है, क्लियर, ठीक है। और उसका x एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताता है, x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है y कोऑर्डिनेट, तो ये वाली लेंथ y2, सिंपल, है ना। इसी तरह अब इस पॉइंट को देखें तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा y एक्सिस से वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, यानी x1, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका y, क्लियर है, ठीक। अब आप ध्यान दो ये परपेंडिकुलर है सारे, ठीक। तो इसी तरह अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा इस पर, ठीक है। तो अब आप देखो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है पी क्यू और इस वर्टेक्स का कुछ नाम रख दो आर, ठीक। तो अगर आप देखो तो ये पूरा डिस्टेंस वाई टू था, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आर तक का वो कितना हो जाएगा, आप देखो ये पूरा वाई टू था और यहां तक वाई वन है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन। सिमिलरली अगर आप देखो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 था और ये x1 है, तो ये pr जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। और अब इस ट्राइंगल pqr में, pqr में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा PQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, है ना, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब PQ तो हम फाइंड ही कर रहे हैं, PR, PR कितना आया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर, प्लस QR कितना आया, y2 माइनस y1, है ना, स्क्वायर। अब हमें PQ चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, आप ध्यान देना स्क्वायर रूट लेते टाइम प्लस माइनस दोनों का साइन आता है, पर PQ एक लेंथ है, डिस्टेंस है दो चीजों के बीच का, तो डिस्टेंस या लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो ये हमारा PQ आ गया, अगर आप ध्यान दो तो ये x2 x1 क्या थे, x1 y1, x2 y2, p और q के कोऑर्डिनेट्स ही तो थे, तो x2 और x1 इसके x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इसके y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और उसी का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया, है ना। तो यही हमारा एनी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमें कभी इसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो तो आप जानते हो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो अगर कोई दूसरा पॉइंट है मान लो, है ना, x1 y1, तो इसका डिस्टेंस कितना सिंपली आप निकाल सकते हो, x2 y2 की जगह 0 0 पुट कर दोगे, है ना, तो ये देखो 0 माइनस x1, ठीक है, तो वो डिस्टेंस आपका क्या बन जाएगा, इसका नाम अगर आप p रख दो, इसका नाम q रख दो, तो ये बन जाएगा pq, जो कि हो जाएगा 0 माइनस x1, यानी -x1 स्क्वायर, दैट इज x1 स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना, फिर 0 माइनस y1, यानी -y1 स्क्वायर, यानी y1 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो कितना ही सिंपल है, सिर्फ उसी जिस पॉइंट की बात कर रहे हो, ओरिजिन फिक्स है, उसी के कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्लियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ आ गया होगा,
अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? चलो देखो जरा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी दैट इज 8, -2 एंड क्यू दैट इज 3, -6, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्लियर है? अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, तो अगर आप देखो तो ये आपके लिए x1 y1 बन गया, है ना, और ये x2 y2 बन गया। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आप उसके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लो पूरे का, ठीक है? तो अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो बस, x2 दैट इज 3, है ना, माइनस x1 दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -6 माइनस y1 दैट इज -2 का स्क्वायर, ठीक है? तो अब ये हो गया 3 - 8 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर ये -5 हो गया, -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है, प्लस -6 -2, है ना, तो ये हो गया 25 प्लस -6 + 2 इज -4, -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 25 प्लस 16 इज √41 हो गया, है ना। तो अब √41 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब देखो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस किसी यूनिट में आता है, सेंटीमीटर मीटर, है ना। तो हमें यहाँ कुछ पता नहीं यूनिट क्या है, तो आप क्या लिख दोगे, सिर्फ यूनिट ही लिख दोगे, है ना, कि √41 यूनिट्स, क्लियर। तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स जो कि इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट्स 5, 4 एंड -2, 3, क्लियर है। लेट्स से ये आपका x एक्सिस, ठीक है, इस पर कोई एक पॉइंट होगा, कहीं भी होगा, हमें पता नहीं कहां होगा, ठीक है, इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट से, अब ये दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, है ना, इधर एक 5, 4 है, ठीक है, ये रफ डायग्राम है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पुट की जाती है, और -2, 3 है, इधर कहीं होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का इन दोनों से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, तो क्वेश्चन में ये भी कहा था कि जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है, तो हमने अभी पढ़ा कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और साथ में उसने कहा कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो नाम रख लेते हैं इनके P, Q और R, ठीक है। तो PQ
का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस इक्वल है, हमें क्वेश्चन में बोला है PQ is equal to QR, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, है ना, यूज करते हैं PQ के लिए, तो ये हो जाएगा x2 minus x1, है ना, x minus minus यानी x plus 2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 0 minus 3 का स्क्वायर इक्वल टू में QR। अब QR क्या हो जाएगा, x2 minus x1 यानी x minus 5, ठीक है, का स्क्वायर 0 minus 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि x2 minus x1 में डिफरेंस का स्क्वायर होता है ना, तो आप चाहे तो 2 minus 3 का स्क्वायर करो या 3 minus 2 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप चाहे x1 y1 या x2 y2 या x1 y1 x2 y2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो ये बचेगा ये वाला a plus b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab, और 0 minus 3 minus 3 का स्क्वायर 9, फिर वही a minus b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर plus, है ना, b स्क्वायर minus 2ab यानी 10x, और ये minus 4 का स्क्वायर यानी 16, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कर गए, 9 plus 4 is 13 और 25 plus 16 is 41, और ये 13 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 10 इधर आके ऐड हो जाएगा, 4 ऑलरेडी है और 10 इधर आ जाएगा, ठीक है, 4 plus 10 is 14x और 14 minus 13 is 41 minus 13 is 28, ठीक है, तो ये 14 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x2, तो x2 आ गया, यानी वो कोऑर्डिनेट जो हम फाइंड कर रहे थे वो क्या हो जाएगा 2,0, तो 2,0 वो पॉइंट है जो कि इस पॉइंट माइनस 2,3 और 5,4 से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो देखो जरा क्वेश्चन 3 जो है उसमें कह रहा है लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 10, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो 10 यूनिट है, इफ वन एंड is at 2, minus 3 and abscissa of other is 10, then show that its coordinate is either 3 or minus 9, is either 3 or minus 9, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10 यूनिट, ठीक है, उसका एक एंड हमें दिया हुआ है 2, minus 3, और जो दूसरा एंड है उसका एब्सीसा दिया हुआ है। एब्सीसा क्या था, बताया था ना, एब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, तो वो आपको शो करने को कह रहा है कि कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो या तो 3 होगा या माइनस 9 होगा, क्लियर है। तो अगर एक पहले पॉइंट को मैं पी कहूं जो कि है 2, minus 3 और दूसरे पॉइंट को मैं क्यू कहूं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सीसा तो 10 है पर वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, उसको हमें प्रूफ करना है कि ये 3 या माइनस 9 होगा, क्लियर है। अब P और Q के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना 10 यूनिट, तो
तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 10। क्लियर है? स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट घट जाएगा यहां से, तो ये बचेगा 10 माइनस 2 यानी 8, 8 का स्क्वायर 64, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी तरफ 10 का स्क्वायर हो गया होगा वो बन गया होगा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 इज 73 और ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 27 बचेगा। क्लियर है? 73 ऑलरेडी था, 100 इधर आके सबट्रैक्ट हो गया। अब ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो फैक्टर बना के, है ना। तो 6y को हम लिख देंगे 9y माइनस 3y। क्लियर? अब आप देखो पेयर बनाओ, कॉमन लो, है ना, y कॉमन है, y प्लस 9 बचता है, 3 कॉमन है, y प्लस 9 बचता है। अब इस पूरे में ही y प्लस 9 कॉमन है तो क्या बचता है, y माइनस 3 बचता है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल तभी होता है जब इनमें से कोई एक 0 है या दोनों ही 0 है ना। तो अगर y प्लस 9 0 हो तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना, और अगर y माइनस 3 0 हो तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो y अगर y प्लस 9 0 होने का मतलब है y माइनस का 9 हो तो ठीक है ना, और अगर y माइनस 3 0 है तो y 3 हो तो भी काम हो जाएगा, है ना। तो y की ये दो वैल्यूज हो तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो y की ये दो वैल्यूज पॉसिबल है, और आप देखोगे तो आपको यही बोला गया था कि प्रूव करो कि y 3 या माइनस 9 कोई एक हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, जो कि कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज 6,2 एंड 0,x इज 10 यूनिट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Here, find the value of x. अब देखो, ये जो है, अगर हम देखें, इसके बीच में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट, हमें फाइंड क्या करना है x की वैल्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, दो पॉइंट है आपके पास, डिस्टेंस पता है आपको, है ना। अगर इसको p कहें, इसको q कहें, तो p और q के बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, वही स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 0 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी x माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू 10। सेम वही स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 0 माइनस 6 माइनस x का स्क्वायर 36 ही रहेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इधर 10 स्क्वायर 100 हो चुका होगा, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 4x और ये 36 प्लस 4 40, ये 100 इधर आके माइनस हुआ होगा तो माइनस का 60 बन गया होगा। अब ये क्या चीज है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, फैक्टर बना सकते हो, है ना। ये क्या बन रहा है, माइनस 60, तो इसको आप माइनस 10 प्लस 6 लिख सकते हो, है ना, माइनस 10 प्लस 6, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस 10 प्लस 6। अब इसमें से एक कॉमन ले सकते हो, तो क्या कॉमन आएगा,
एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस टेन बचता है, यहाँ सिक्स कॉमन आ गया, यहाँ माइनस टेन बचता है। अब इस पूरे में आप देखो तो x माइनस टेन कॉमन आ गया और यहाँ x प्लस सिक्स बच गया, तो ये क्या बना, इसका प्रोडक्ट जीरो है, सेम है ना। तो यानी कि या तो ये जीरो हो तो भी बात बन जाएगी, या ये वाला जीरो हो तो भी इसका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहां से अगर ये चीज जीरो होगी तो x की वैल्यू टेन होगी, और अगर ये चीज जीरो होगी तो x की वैल्यू माइनस सिक्स होगी, है ना। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आती है, क्लियर है। यानी वो जो पॉइंट होगा जिसको हम फाइंड कर रहे थे x की वैल्यू, वो 10 या माइनस x कोई भी पॉसिबल है, क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो देखो। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई, है ना, पी कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, फ्रॉम ए दैट इज 5,1 एंड बी दैट इज -1,5, है ना। ये दो पॉइंट है ए और बी, उनका डिस्टेंस है ना, पी का डिस्टेंस इन दोनों से जो है वो कैसा है, इक्वल है ना, इक्वल है। तो आपको क्या बताना है, और साथ के साथ आपको एक चीज और दी हुई है, दैट इज ए एक्स और बी वाई जो है वो इक्वल है। तो अब आपको बताना है देन पॉइंट ए एंड बी, है ना, ए और बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जब अब वही सेम इक्वल डिस्टेंस वाला कंसेप्ट आ गया है यहां पर, है ना, कि इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, P का A और B से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि PA और PB इक्वल है, हमें दिया गया, क्लियर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वही x2 माइनस x1 यानी x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी x माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर y माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर है। स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायरिंग करोगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये क्या बनेगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बनेगा वही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। अब आप ध्यान दो, x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ठीक है, और 25 प्लस का है ना, काटो 25 प्लस का, क्योंकि जो सेम साइन है तो इधर आके ऑपोजिट साइन हो जाएंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, माइनस 10 है ना, और अभी तो बाकी कुछ नहीं। अब ये माइनस 10x है, ठीक है, और ये प्लस 2 है, तो इधर आ गया माइनस 10x माइनस 2x, और ये माइनस 2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, तो माइनस 10y प्लस का 2y, क्लियर है। और बचा क्या, अभी ये 1, ये 1 भी यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का तो ये कट ही जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं है ना, तो माइनस 10 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 एक्स, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8y, तो ये माइनस से माइनस तो काट दो, है ना, और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है आपका देखो 4 से, है ना, 4 3 जा और 4 2 जा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं ax इक्वल टू by से, है ना, क्या करता हूं, ऑन कंपेयर मैं देख सकता हूं कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, क्लियर है। तो कंपैरिजन से मुझे पता चला a हो गया 3 और b कितना हो गया 2,
क्योंकि ये चीज हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी, क्लियर है, ए एक्स इक्वल टू बी वाई, और हम यहाँ पर पहुंच गए थे, तो इससे कंपेयर करके हमें पता चला कि ए थ्री होगा बी टू होगा, ठीक है। तो आई होप ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ आया होगा, और ये जो क्वेश्चन हमने किए समझ आए होंगे आपको, है ना। थैंक यू।